ओम तत्सत ओम तत्सत ओम गुरुजी ओम गुरुजी। आदरणीय सातवी दर्शना देवी जी, सातवी देव विलासा जी, महात्मा जगदीशानंद जी, कमलानंद जी महात्मा, करमवीर कौर जी, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर सभी को मेरा नमन। गुरु ब्रह्मानंद जी के निर्वाण दिवस पर आए हुए संगत को सत सत नमन। आज मैं आप सबके बीच में गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे और आप सब से अपने पति श्री नवीन जिंदल जी के लिए आपका आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद, साथ ही गुरु माँ का आशीर्वाद और वोट की अपील करने आए हूँ। आप सब अपने भाई अपने बेटे श्री नवीन जिंदल जी को यहाँ से अपना आशीर्वाद और कीमती वोट दीजिए, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, सबका साथ सबका विकास, उस सपने को आगे ले जाने के लिए नवीन जिंदल जी का विकसित कुरुक्षेत्र का सपना, एक ऐसा कुरुक्षेत्र जिसमें रहने वाला हर वर्ग उसका जीवन कैसे बेहतर हो, वह सपना वो पूरा कर सके। नवीन जी ने इस सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प है कि कुरुक्षेत्र में 10 साल जब नवीन जी यहाँ पर सांसद थे, 2004 से लेकर 2014 तक जितने जन सेवा के कार्य नवीन जी ने उन 10 सालों में किए थे, उसके 10 गुना जन सेवा के कार्य नवीन जी अगले 5 साल में आपको करके दिखाएंगे। और पहली योजना जो नवीन जी ने सोची है वो है कौशल के विश्वविद्यालय। 2 कौशल के विश्वविद्यालय एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। यहाँ पे हमारे युवा बेटे और बेटियों को 25 से 50 तरह के कौशल सिखाए जाएंगे और ये कौशल वह होंगे जो मार्केट डिमांड के हिसाब से हैं, ताकि बच्चे जैसे ही कौशल सीख के विश्वविद्यालय से निकलेंगे उनको आसानी से रोजगार मिल जाएगा और वो आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। दूसरी योजना है कुरुक्षेत्र में बच्चों को शिक्षा में सशक्त करने की योजना। जितने यहाँ पर कुंडरी में हमारे सरकारी स्कूल हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों को सरकार की मदद से और जिंदल फाउंडेशन की मदद से एक ऊंचे स्तर पर लाया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्तर होता है, ताकि हमारे बच्चों को भी आगे जाने का मौका मिले और नाम कमाने का मौका मिले। तीसरी योजना है यशस्वी योजना, वो मेरी बेटियों के लिए है। मैंने देखा है कि कई बार हमारी बेटियां खर्चा कम होने के कारण 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाती। उन बेटियों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी जो आगे पढ़ना चाहती है जिंदल फाउंडेशन की तरफ से, और ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। चौथी योजना है चिकित्सा की। कुंडली में एक मोबाइल एम्बुलेंस वैन डॉक्टर नर्स के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ दी जाएगी। ये वैन गांव गांव घूमने घूमेगी, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप, दवाइयों का वितरण, मरीज को अस्पताल लेके जाना, अस्पताल में जाकर इलाज करवाने में मदद करवाना, साथ ही में ऑपरेशन करवाने में भी मदद करवाना। ये मोबाइल एम्बुलेंस वैन डिस्पेंसरी की तरह काम करेगी और ये सब काम करवाएगी। साथ ही में जितने हमारे युवा बेटे हैं, ताकि उनको गलत आदत ना लगे, वो नशे की तरफ ना जाए, उसके लिए नवीन जी ने सोचा है 500 गांव में 500 जेम खोले जाएंगे, ताकि हमारे युवा बेटे सेहत की तरफ वापस आए और साथ ही में कौशल के विश्वविद्यालय में कौशल सीख के जब ये बच्चे रोजगार पर लग जाएंगे तो अपने आप बुरी आदतें उनसे दूर भाग जाएंगी। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप पूरा विश्वास करकर अपने भाई अपने बेटे जो आपके जाने पहचाने हैं, जाने पत्ते हैं, 10 साल आपने उनको परखा हुआ है, पूरा
आत्मविश्वास रखकर कि हम हमारे कुरुक्षेत्र के बच्चों का भविष्य, हमारे युवा बेटे और बेटियों का भविष्य नवीन जिंदल जी के हाथ में दे रहे हैं। ये भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। इस आश्वासन से आप नवीन जिंदल जी को वोट दीजिए। अंत में मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी, 25 मई को आप सबका एक एक वोट बहुत कीमती है। आप सब ने कमल का फूल, कमल के फूल का बटन दबाना है और अपने भाई अपने बेटे नवीन जिंदल जी को यहाँ से जिताना है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में भाजपा की सरकार बना रहे हैं, उसने उनके हाथ और मजबूत करने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम गुरु शिव।